चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर है, ओपीएससी को लेकर। क्या इन्फॉर्मेशन? एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हुआ था, मेन रिटन एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, वो 7/12/2020 से 3/1/2021 तक हुआ था, ठीक है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 मेन रिटन एग्जामिनेशन हुआ था, उसका रिजल्ट मेन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। कुल 307 कैंडिडेट्स प्रोविजनली क्वालिफाइड हैं हुए हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। 307 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, एंड पर्सनालिटी टेस्ट होगा 22 सितंबर 2021 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिन जिन्होंने नहीं देखा है जल्दी से जाके रिजल्ट को देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए जो 307 कैंडिडेट्स प्रोविजनली क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, जल्दी से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक करके ओपीएससी की साइट पर जा सकते हैं और ये वाला नोटिफिकेशन देके डाउनलोड करके जल्दी से जल्दी रिजल्ट को देख लीजिए। ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 का मेन रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट, ठीक है। 307 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, उनका अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्सनालिटी टेस्ट 22 सितंबर 2021 से होगा, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन देना था, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपके साथ मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।